कोरिया जिले के बैकुंठपुर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के बैकुंठपुर का कार्यालय अपने किसी न किसी कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहता है। बता दें कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग से फिर एक मामला सामने आया है। मामला आवक जावक शाखा में पत्र नहीं लेने पर और साथ ही सूचना के अधिकार में भ्रामक जानकारी देने का है। बता दें कि मनोज वर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत तंजरा के घाट से एक सड़क निर्माण से संबंधित जानकारी सूचना के अधिकार से मांगी थी, लेकिन उन्हें चाही गई जानकारी न देकर दूसरी जानकारी दे दी गई। वहीं नए आवेदन देने के लिए वो कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, किंतु आवेदन किसे दे क्योंकि आवक जावक का प्रभारी अक्सर नदारद रहते हैं। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। मैं यहाँ पास कार्यपालन अभियंता ई साहब के पास अभी गया था, क्योंकि यहाँ पास कोई आवक जावक में कोई आवेदन लेने वाला नहीं। मैं यहाँ RTI लगाने आया था। पलारी डाँड बेलिया ग्राम पंचायत है, सोनहा विकासखंड में, वहाँ के संदर्भ में। तो यहाँ पास आवक जावक में बैठा ही नहीं है। इस विषय में जब ई साहब के पास गया, श्री चौधरी जी के पास, तो चौधरी जी तो अभी सिर्फ नाश्ता करने में मशगूल हैं। उनके पास ट्रे ट्रे नाश्ता जा रहा है। और मैंने कहा, सर थोड़ा सा ये आवेदन वहाँ आवाज जा कोई नहीं है, इसको रिसीव करने के लिए किसी को निर्देशित करिए, मैं कब तक यहाँ पर खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है बाहर खड़े रहिए, जब हम लोग खाली हो जाएंगे। सर, एक मामले में बाइक चाहिए, दर्जना के मामले में। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। मैं यहाँ पास कार्यपालन अभियंता ई साहब के पास अभी गया था, क्योंकि यहाँ पास कोई आवक जावक में कोई आवेदन लेने वाला नहीं। मैं यहाँ RTI लगाने आया था। पलारी डाँड बेलिया ग्राम पंचायत है, सोनहा विकासखंड में, वहाँ के संदर्भ में। तो यहाँ पास कोई भी आवक जावक में बैठा ही नहीं है। इस विषय में जब ई साहब के पास गया, श्री चौधरी जी के पास, तो चौधरी जी तो अभी सिर्फ नाश्ता करने में मशगूल हैं। उनके पास ट्रे ट्रे नाश्ता जा रहा है। और मैंने कहा, सर थोड़ा सा ये आवेदन वहाँ आवाज जाकर कोई नहीं है, इसको रिसीव करने के लिए किसी को निर्देशित करिए, मैं कब तक यहाँ पर खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है बाहर खड़े रहिए, जब हम लोग खाली हो जाएंगे तब आपको बुलाया जाएगा। मेरा कहना ये है, यह कार्यालय जनता के लिए और जनता के हितों के लिए बना है, ना कि ये नाश्ता पानी या बैठकी करने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि बहुत ही गहन विषय क्या ये है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने यहाँ खुलासा किया कि कार्यालय को जो संचालित जो है प्यून कर रहे हैं, जो वर्ग दो में स्थापना में अंकित क्षण में और ड्राफ्टमैन जैसे पद पर बैठे हुए हैं, और जो जबकि वर्ग दो के और भी जो कर्मचारी हैं उनको कोई भी कार्य प्रभार नहीं दिया गया है। यह बात का भी खुलासा मेरे माध्यम से हुआ, जो RTI मैंने लगाई थी, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजे की बात यह है कि अगर यहाँ पर वाकई में अगर गहन और विशिष्ट जांच, उच्च स्तरीय जांच की जाए, तो लाखों नहीं करोड़ों का घोटाला उजागर हो जाएगा। यह है कि यहाँ पर जांच करने योग्य है और संज्ञान में लेने लायक है, क्योंकि यहाँ पास कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब इसकी शिकायत मैंने पलारी डाँड, जिस विषय में आज मैं आया हूँ यहाँ पास RTI का आवेदन देने, इसके पहले भी मैंने यहाँ पास RTI लगाई थी, लेकिन इनके द्वारा जो जानकारी दी गई वो बहुत ही भ्रामक और तथ्यहीन थी। मैंने RTI यहाँ की लगाई, इन्होंने दर्शा दी कि ये फॉरेस्ट वाले काम किए हैं, फॉरेस्ट के नाम पर आदेश हुआ।